हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं वायुमंडल की परतें। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रीट के अंदर ये 100% इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि वायुमंडल की परतें क्या होती है। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल का मतलब क्या है कि ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण होता है और जो हम कह सकते हैं वायु का आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब ये क्या है कि ये हमारी अगर पृथ्वी है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये कुछ ना कुछ लेयर्स होती हैं जिसके रूप में ये जमा होती है, ये परतें बनी होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई देगा, यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। जैसे ये पहली परत, ये हमारी होगी दूसरी परत, ये हमारी होगी तीसरी परत, ये हमारी चौथी परत और ये ऊपर वाली पांचवी परत, इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसको आप समझते रहें, पेपर के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना। तो अब देखो पांच परतें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अगर लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, मैं इस साइड में लिख देता हूं। हिंदी में होता है शोभ मंडल। ठीक है, शोभ मंडल, पहली परत का नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल। पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि शोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ये नाम इंग्लिश वाला कई बार दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चे हिंदी का नाम याद कर लेते हैं तो उनको इंग्लिश का नाम पता नहीं होता, इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फीयर, या हम इसको कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल दूसरे वाले को। तीसरे वाले हैं मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर को हम कहते हैं हिंदी में मध्यमंडल। क्या कहते हैं हम? मध्यमंडल। उसके बाद में जो तीसरी है वो है आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर आयन से बना तो ये आयन मंडल, ये तो सोखा याद रखने में, तो आयनोस्फीयर आयन मंडल। एक्सोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बहिर्मंडल, या हम कह सकते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। अब इनका हिंदी और इंग्लिश में नाम आप याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शोभ मंडल है या फिर कोई अन्य मंडल है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान कितना रहता है। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटोस्फीयर की हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा तो फिर आपको पता नहीं लगेगा। अब बात करते हैं हम इन परतों के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है ये वाली पहली परत, जिसका नाम क्या है आपका? शोभ मंडल, या फिर इंग्लिश का नाम क्या होगा आपका? इंग्लिश का नाम आपका होगा ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, क्या होगा? ट्रोपोस्फीयर, मैं शोभ में लिख दूंगा ट्रोपोस्फीयर, TROPO ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है कि मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, बादलों का बनना हुआ, वर्षा का होना हुआ, तापमान जो भी यहाँ पे घटित होता है, मौसम बनता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, वो सारी सारी मौसमी क्रियाएं यहाँ पे होती है। ठीक है, आर्द्रता का बनना, जलवाष्प का बनना, या कोई भी मौसम से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती है वो कहाँ पे होती है? आपकी शोभ मंडल पे होती है। और जो ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज्यादा भी होता है वो भी कहाँ पे होता है? आपका शोभ मंडल के ऊपर ही होता है। ऑक्सीजन का लेवल धरती के ऊपर ही ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। एक चीज और मैं बता दूं, वो चीज मैंने नहीं बताई अभी आपको, तो 165 मीटर ऊपर जाने पे, 165 मीटर अगर धरातल से आप ऊपर की तरफ जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होगा? एक डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगी? कमी होगी या वृद्धि होगी? इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि 165 मीटर धरातल से ऊपर जाने पे तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है, ये भी आपको बताना है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, तापमान और दाब, दाब और तापमान हमेशा क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जहां पे तापमान ज्यादा होगा वहां पे दाब कम होगा, जहां पे तापमान कम होगा वहां पे दाब ज्यादा होगा, इस चीज के बारे में आप जरूर याद रखें। अब हम बात करते हैं हमारी जो दूसरी परत है जिसका नाम क्या है? समताप मंडल, या जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो धरातल है यहाँ पर तापमान कितना होता है? माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान रहता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा समताप मंडल, ये वाला आपका समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये समताप मंडल है, समताप समान ताप रहता है, तो इसका मतलब तापमान कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पिछली बार रीट के अंदर क्वेश्चन आया था कि समताप मंडल में तापमान कितना होता है, तो उसका आंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहना था। बाद में क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन में था भी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं समताप मंडल में, जहां पे समान तापमान रहेगा वहां पे क्या है? हवाई जहाज उड़ते हैं। समताप मंडल के अंदर क्या है? हवाई जहाज उड़ते हैं, इसकी ये नीचे वाले क्षेत्र के अंदर उड़ते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब
उसके बाद में आपका आता है मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल। मध्यमंडल के अंदर क्या है, तापमान वापिस से क्या होता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसके बाद में तापमान कितना हो गया आपका प्लस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे प्लस कह रहेगा, प्लस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे प्लस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो मध्यमंडल है इसके बीच में क्या है, उल्कापिंड जो अंतरिक्ष से आते हैं वो यहाँ पे आगे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या होता है ऊपर वाले की तुलना में, यहाँ पे तापमान क्या होता है कम होता है, ये चीज याद रखना है, क्योंकि ऊपर तो तापमान आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ही मध्यमंडल के अंदर आता है तो मध्यमंडल में तापमान कितना होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे क्या होता है कि वहां का जो उल्का वो यहाँ पे राख के रूप में बदल जाता है। उसके बाद में आता है आयन मंडल, आयन मंडल को हम क्या कहते हैं आयनोस्फीयर। तो जो भी आप फोन कॉल करते हैं या रेडियो देखते हैं या टीवी चलाते हैं तो वो सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपके सैटेलाइट होते हैं, जिससे क्या है कि आपकी जो किरणें होती हैं रेडियो से निकलने वाली तरंगें जो होती हैं वो यहाँ पे टकरा के धरती के ऊपर आती हैं, और धरती के ऊपर आके आपको फोन के अंदर चलाती है, या हम कह सकते हैं टीवी जो सीरियल कुछ भी चलता है वो आयन मंडल के अंदर चलता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये ऊपर वाली है इसको हम क्या कहते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, ठीक है, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, इसके बारे में अभी तक चर्चा चल रही है। अब आपको इतना पता लग गया होगा कि कौन से मंडल में कौन सी परतें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है वो मैं आपको बता देता हूं, कि जो समता मंडल है वो कहां तक मिलता है, शोक मंडल कहां तक मिलता है, ठीक है, इसकी ऊंचाई के बारे में आप देख लीजिए। जो यहाँ पे आप सबसे पहले 0 डिग्री लिख दें, जो शोक मंडल होगा वो आपको मिलेगा 9 से 12 किलोमीटर तक की रेंज में, ठीक है, 9 से 12 किलोमीटर तक की रेंज में क्या मिलता है आपको शोक मंडल मिलता है। उसके बाद में आपको मिलेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 50 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा समताप मंडल मिलेगा, 50 किलोमीटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको 80 किलोमीटर तक क्या मिलेगा मध्यम मंडल मिलेगा, और 80 से यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे 640 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा आयन मंडल मिलेगा, जहां पे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, और 640 से ऊपर क्या मिलेगा आपको बहिर्मंडल मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारी यहां तक की बात। अब आपको पांचों परतों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये पहली परत हुई आपकी, उसके बाद में ये दूसरी परत, ये तीसरी परत, और ये चौथी परत, और ये होगी आपकी पांचवी परत जिसके बारे में अपने को नहीं पता। ये आपकी शोक मंडल, ठीक है, ये आपका समताप मंडल, ये आपका मध्यम मंडल, ये आयन मंडल, और ये बहिर्मंडल, ठीक है। अब शोक मंडल और समताप मंडल के बीच की एक थोड़ी सी सीमा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शोक सीमा के नाम से, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं शोक सीमा, शोक सीमा। इसी तरह से जो ऊपर की है समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम किस नाम से जानते हैं समताप सीमा, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि सीमा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का क्षेत्र, क्षेत्र कितना कहां तक फैला हुआ है, तो समताप मंडल का ये ऊपर का जो क्षेत्र है इतना, ये समताप की सीमा कहलाता है, कि मतलब समताप के अंदर अगर कोई भी चीज आती है तो वो यहां तक जा सकती है, मध्य मंडल के 1/3 तक जा सकती है, इसको कहते हैं समताप सीमा। और शोक मंडल में क्या है, शोक मंडल की जितनी भी किरणें हैं वो यहां तक समताप मंडल के 1/3 तक जा सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं शोक सीमा कहते हैं। बस यही था इसके बीच में मैटर बताने वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।